अमरीश, अमरीश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कैमूर जिले के युवा चित्रकार जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, एक स्केच बनाए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सर को हाथ पर बैठ कर अमरीश तिवारी जी संतोष कुमार जी जो सासाराम से आए हैं, आप सब जो भी उपहार स्वरूप लाए हैं, थोड़ी शांति बनाइए आप लोग सभागार में, शोर बोलना हो। कुछ ही क्षणों के बाद सर माइक पे होंगे, हम लोग सुनेंगे। अमरीश जी से जुड़े हैं, माँ मुंडेश्वरी उन्हें और ऊर्जावान बनाए, यशस्वी बनाए ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति में वो सफल हो। और चार पंक्तियां निवेदित करते हुए सर को मैं सीधे सीधे माइक पे बुलाऊंगा कि पिता जब हो कोई दशरथ तो बेटा राम होता है, पिता जब हो कोई दशरथ तो बेटा राम होता है, तदम अपना जहां रखते वो पावन धाम होता है, भले जंगल में वो भटके पहाड़ को त्याग कर तो क्या, करते काम हो ऐसा जगत में नाम होता है, करते काम हो ऐसा जगत में नाम होता है। और सर को मैं माइक पर आमंत्रित करता हूँ, सर माइक पर है और युवा संवाद से द्वारा आयोजित इस युवा संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रामनाथ पांडे जी, रघु कुमार सिंह जी, दिनेश सिंह जी, डॉक्टर मिलन श्रीवास्तव जी, शंकर कैमूरी जी, यहाँ रोहतास से आए अश्विनी जी, यश उपाध्याय जी, आराचार्य संतोष जी उपस्थित, स्वामी नारायण गुरु जी उपस्थित, सभी देवियों और सज्जनों युवा साथियों, कैमूर उनतीसवां जगह है पिछले एक वर्ष से, जहां पर अवकाश के दिनों में लोगों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ। पिछले वर्ष 2021 के 22 मार्च बिहार दिवस के दिन स्कूली अभियान की परिकल्पना हुई, इसका आह्वान हुआ था कि लोग जुड़े। प्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इंस्पायर किसी को क्यों करना पड़ता है, क्यों इंस्पायर करते हैं हम लोग, कोई बताइए क्यों करते हैं इंस्पायर, प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों आती है? तब आती है जब क्षमता आप में हो, लेकिन उस क्षमता के अनुरूप, उस पोटेंशियल के अनुरूप रिजल्ट नहीं दिखता है, तभी तो हम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लड़का मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, हो सकता है क्लास में टॉप कर जाए, पढ़ता ही नहीं है, दिन भर इसका ध्यान कहीं और रहता है। वैसे हम उसको इंस्पायर करते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम में क्षमता है, तुम अगर पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे,
जब तो सपने हैं पूरे कर सकते हो, बिहार को इंस्पायर करने की आवश्यकता क्यों आ गई? क्यों हम लोग बिहार को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं? लव जी दुबई चले गए, वहां जो बिहार के लोग हैं क्यों जोड़ रहे हैं? नवी कक्षा में था, नाइन्थ क्लास में था, मेरे पिताजी अब रिटायर हो गए हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम किया करते थे, अलग अलग रिफाइनरी से पोस्टिंग उनकी होती थी। जब छोटा था गुवाहाटी रिफाइनरी असम में, वहां रहता था। दूसरी कक्षा के बाद आठवीं कक्षा तक बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी में उनकी पोस्टिंग हुई, वहीं पढ़ता था, पढ़ने में मेहनती था, प्रयास करता था क्लास में फर्स्ट आऊं। पढ़ने के साथ साथ इतिहास के बारे में बचपन से ही सोचता था, और बिहार का हूँ, इतिहास जब पढ़ते थे हिस्ट्री में, सारी हिस्ट्री तो लगभग शुरू की हिस्ट्री बिहार की ही मिलती थी, बिहार के अशोक थे, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे। एट्थ में था तब नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने गए पिकनिक के लिए, वहां पर टूरिस्ट गाइड ने बताया कभी पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। क्लास एट में इस बात को सुनकर मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, कैसे उस समय लोग आते होंगे, या उस समय से रोड थे, न ट्रेन थे, न एरोप्लेन थे, कैसे लोग, कोई जापान से आता था, कोई कोरिया से आता था, प्राणों को संकट में डाल के आता था, क्यों आता था? निश्चित कुछ तो बात होगी। और पढ़े, पढ़ते गए कि बिहार का इतिहास ही क्यों भारत का इतिहास है, लगा कुछ तो बात थी। निश्चित हमारे पूर्वज जो थे तो कुछ तो बात थी कि जब रोड नहीं थे, आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, जोड़ना जानते थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे, भाषा भी अवरोध नहीं थी। आज किसी अफगानी से बात करने हम जाएंगे, वो कहेगा भाई मैं तो अफगानी हूँ, आप तो बिहार से आए हो, जानता भी नहीं होगा। लेकिन 2500 वर्ष पहले क्या भावना रही होगी कि जब कोई बिहार से अफगानिस्तान जाता होगा, उस रूप में पाता होगा कि लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और क्यों देखते थे? अखंड भारत का साम्राज्य, आज भारत की बाउंड्री सब लोग देखते हैं, लेकिन एक समय जब संसाधन नहीं थे, आज तो हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, पूरे बिहार में बिहार के रहने वाले करीब 45,000 से अधिक लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। कैमूर में भी काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, लेकिन संख्या और बढ़ेगी, जोड़ना उतना कठिन नहीं है। लोग सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, वो भी मेरे विचारों को जानते हैं। उस समय जब ये सब नहीं था, सोचिए कितना कठिन रहा होगा अपनी बात को वहां तक पहुंचाना। लेकिन यदि अखंड भारत के साम्राज्य का कहीं निर्माण हुआ तो बिहार से ही क्यों हुआ? आज तो भारत की राजधानी दिल्ली है, जब अंग्रेज शासन करते थे कलकत्ता से करते थे, लेकिन जब भी करते थे उस समय भी भारत की सीमाएं उतनी बड़ी नहीं थी। सीमाएं जब बड़ी थी उसका नेतृत्व बिहार कर रहा था। आज क्या स्थिति हुई? जब नाइन्थ में पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई, उस समय तक तो बिहार में ही थे, अचानक अभी तक लोग विकास बोलते थे, नाम से बुलाते थे, भोपाल जब पहुंचे तो बिहारी बोलना शुरू कर दिए। शुरू में तो अटपटा लगा, लेकिन वैसा भी नहीं लगा, बिहार से हैं तो बिहारी ही तो बोलेंगे। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद लगने लगा कि बिहारी बोलने की मंशा कुछ और है, इस बीइंग यूज्ड इन अ डेरोगेटरी मैनर, बड़ी पीड़ा हुई। नालंदा को देख चुके थे, नालंदा का इतिहास जानते थे, बिहार के इतिहास को भी जानना शुरू कर चुके थे। वैसे में जब देखते भोपाल के पास सांची गए, पता चला कि कभी सम्राट अशोक यहाँ गवर्नर थे। कहाँ से आए थे? उसी पाटलिपुत्र से आए थे। उस बिहार के लोगों पर आज यहाँ के लोग हंसते हैं, कैसे दुर्दशा हो गई। जो बिहार का नेतृत्व कर रहा था, इस छोटे से भारत का नहीं कर रहा था, उस भारत का कर रहा था जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी, और दक्षिण में सागर तक तो थी। उसमें ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आज जब लिस्ट बनती है स्टेट्स की, डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, किसी भी इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे
बिहार कहाँ होता है, कहाँ होता है, नीचे होता है ना, अच्छा लगता है क्या? कोई बिहारी हो जिसको देखो क्या मन कहता है, जैसे अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं, हर आदमी क्या चाहता है, क्या चाहता है? टॉप पर रहना, सफल होना, आई शुड हैव द बेस्ट लाइफ। अपने स्टेट के बारे में क्या चाहते हो? स्टेट भी टॉप पे रहे, और तब जब रिसोर्सेज नहीं थे उस समय यदि हम टॉप पे थे, एक नहीं थे जब कुछ नहीं था, लेकिन सोचे सोच क्या रही होगी तब हम टॉप पे थे। आज जब सब कुछ है, रोड्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, आप लोगों को जोड़ सकते हैं। जिस भूमि ने कभी जीरो की उत्पत्ति की, उससे पहले तो गणित विकसित नहीं थी, गणित का विकास था ही नहीं, लेकिन जब शून्य आया और सारी मैथमेटिक्स बाइनरी सिस्टम, हम लोग बात करते हैं वन और जीरो सिंपल, उसी से तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, इससे बात पहुंच रही है वायरलेस के थ्रू। वायरलेस का सिस्टम आया कैसे? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कहाँ हुई? जीरो। जीरो की उत्पत्ति कहाँ हुई? बिहार। बिहार की स्थिति तब ऐसी थी, नई नई चीजें हम सोच पाते थे। जब बिहार को मैं देखता हूँ, आई सी इट इज अ लैंड ऑफ नॉलेज। प्राचीन काल से ही यदि हम देखें, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ह्यूमैनिटी की, मानव जाति की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी? ग्रंथ। इतनी शांति क्यों है? विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी? फिजिक्स की किताब तो नहीं होगी, वो भी किसी ने लिखी होगी। कौन सी किताब है सबसे पुरानी? स्मृति से पहले ऋग्वेद, सबसे प्राचीन पुस्तक पूरे मानव जाति की, चाहे पूरे दुनिया में कोई भी देश हो, यदि सबसे प्राचीन कोई पुस्तक है जो आज भी है, एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम उस समय के लोगों के विचारों को जान सकते हैं, वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद एक परंपरा शुरू हुई, साम वेद आया, अथर्व वेद आया, अलग अलग वेदांग लिखे गए। कोई भी चीज जब शुरू होती है पढ़ती है। वैदिक परंपरा भी जब प्रारंभ हुई, लोगों ने मंत्रों की दृष्टि की, चीजें पढ़ने लगी। अगर वेदों को देखेंगे तो वेदों में हर तरह की बात है, फिलॉसफी भी है, लोग अपने अधिकारों के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लोग युद्ध में जाना चाहते हैं उसके लिए भी प्रार्थना है, संतान उत्पत्ति है उसके लिए भी प्रार्थना है, अलग अलग प्रकार के जो मानव के स्वार्थ होते हैं उनके विषय में प्रार्थनाएं भी हैं, साथ में दर्शन भी है कि हम कौन थे, कैसे थे, लेकिन साथ में प्रश्न भी है। नास्तीय सूक्त को हम देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसा सोचते थे, सब कुछ बताते हुए भी एक प्रश्न है कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो नथिंग, होल क्रिएशन केम फ्रॉम सम वेयर, जो पता ही नहीं था, लेकिन शुरू कैसे हुआ? इच्छा से शुरू हुआ। किसने किया, किसने बनाया, कोई नहीं जानता। इस प्रकार की बात ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन जब परंपरा आगे बढ़ती जाती है, उसी परंपरा में एक ऐसा समय आता है जब हर प्रश्न का समाधान मिल जाता है। जिस प्रश्न का उत्तर नास्तीय सूक्त में ढूंढे ढूंढ रहे थे और प्रश्न कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका उत्तर उस रूप में मिलने लगता है कि हम जिसको खोज रहे थे तो हम ही हैं, यही स्थित है। हम कहीं और सोच रहे थे, जिस परम तत्व की बात करते हैं वो सोच कहाँ आई? जहां आई वहां के लोगों ने कहा इससे ऊपर की सोच तो हो ही नहीं सकती, वेदों का तो अंत हो गया। और तब उस पूरे ज्ञान को हमने वेदांत कहा, जिसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की जननी यदि कोई भूमि है, यही बिहार है। प्राचीन बिहार के उत्तर में मिथिला के जंगलों में ऋषि संवाद करते थे अपने शिष्यों से, और केवल संवाद ऋषि और शिष्यों के बीच नहीं था, राज दरबार में भी उस समय के राजा भी इस प्रकार का संवाद करते थे, तत्व के ज्ञान तलाश करते थे कि हम क्या हैं, हम क्या थे। और जब ज्ञान हुआ, हमने इस रूप में पाया, हर व्यक्ति में कोई भेद है ही नहीं, वही परम तत्व सब में विद्यमान है, रूप अलग हो सकते हैं लेकिन है वही। और जिसकी सोच ऐसी हो जाए हर जगह वही स्थित है, तो भेदभाव कहाँ रहेगा? फिर तो न जाति का भेद रहेगा, न व्यक्ति का भेद रहेगा, न लिंग का भेद रहेगा, वो तो हर में वही चीज देखेगा। वैसी सोच तो बिहार उस काल में थी जब पूरे विश्व में ज्ञान उत्पन्न हो रहा था, हमारे यहाँ वैदिक परंपरा स्थापित हो चुकी थी, और वैदिक परंपरा का अंत हुआ, उत्कर्ष हुआ, उसको हमने वेदांत कहा। जिस भूमि की सोच ऐसी होगी उस काल में, तो चीजें आगे बढ़ेंगी।
बिहार के इतिहास को जो हम देखते हैं, जिसका प्रारंभ वेदांत से हुआ हो, ये सब पढ़ने लगे, अनेक तत्व आए, सिद्धांत आए, मन में कुछ अपने आप नहीं मानना, एक जिज्ञासा, इंक्विजिटिव माइंड, नॉट बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अ सीकर, पता करना क्या है। इसी ने तो इतने तत्वों को जन्म दिया, सिद्धांतों को जन्म दिया। एक राजमहल में बैठे राजकुमार के मन में भी जब जिज्ञासा उठी, बिहार में यही बगल में बोध गया है, रिसीव एनलाइटनमेंट, और तब उन्होंने और लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। अगर बिहार की हिस्ट्री को देखेंगे, लैंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑक्सफोर्ड से पहले, कैम्ब्रिज से पहले, जब इसकी कल्पना यूरोप में नहीं थी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज थी। कैसी यूनिवर्सिटीज थी? नालंदा का बात हम लोग कर रहे थे, विक्रमशिला, विक्रमशिला 1000 साल पहले, 1000 ईयर्स, पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था। तिब्बत का नाम कितने लोग सुने हैं? कुछ ही लोग सुने हैं। तिब्बत चाइना का भाग है, हिमालय के उत्तर जिस क्षेत्र को तिब्बत कहते हैं, उसमें कभी राजा थे लाल लामा, और लाल लामा के समय बौद्ध धर्म था तिब्बत में, लेकिन स्थिति बड़ी दिग्भ्रमित हो चुकी थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, सिद्धांत कोई नहीं जानता था। तब राजा के आह्वान पर हर तिब्बतवासी ने सोना दान दिया और एक ऐसी राशि एकत्रित की, एक मंडली विक्रमशिला भेजी जाए जहां से एक आचार्य को बुलाए। दैट वॉज द इम्पोर्टेंस। पूरे एक देश के लोगों ने सोना दिया। उस समय आज की तरफ बैंक्स तो थे नहीं, जब भी युद्ध होता तो लोग दान करते थे, राशि इकट्ठा होती थी, कोई बड़े काम को करने के लिए दान किया करते थे। पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया, और जब मंडली विक्रमशिला आई तो विक्रमशिला के आचार्यों ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लोग पढ़ने आते थे, वहां से कोई पढ़ाने या सिखाने क्यों जाए। इस प्रकार की बात विक्रमशिला के आचार्यों ने कही और कहा कि हम तो रहने वाले यहाँ के हैं, अगर किसी ठंडे देश में जाएंगे तो जो भी आयु है कम हो जाएगी, तो जिसको ज्ञान लेना हो यहीं आ जाए। मंडली बड़ी निराश होकर लौटी, और जब तिब्बत गई तो तिब्बत नरेश बड़े निराश हो गए। उनको लगा कि शायद जो राशि गई थी कम थी, बड़े परेशान हुए कि तिब्बत के लोगों से तो जो लेना था ले चुके हैं, लेकिन और राशि कैसे लाए। खदान तलाशने निकल गए, वेंट इन सर्च फॉर माइन, और माइन तलाशते हुए उनको पता नहीं चला कि वो नेपाल चले गए। नेपाल के शासकों ने उनको बंदी बना लिया और शर्त रखी कि जो सोना तिब्बत के लोगों ने एकत्रित किया है नेपाल के शासकों को सुपुर्द कर दीजिए, तब आपको रिहा करेंगे। लेकिन तिब्बत नरेश की महानता सोचिए, उन्होंने अपने पुत्र को कहा, बेटे से कहा, मेरी जीवन की अवस्था तो लगभग क्षीण हो चुकी है, कुछ समय और शेष है, लेकिन जो धन पूरे तिब्बत के लोगों ने ज्ञान के लिए दिया है उसको व्यर्थ मत करो, दोबारा एक मंडली भेजो जो विक्रमशिला जाए और जाकर बताए कि उनके मना करने के कारण तिब्बत नरेश की भी कैसी दुर्दशा हुई। और जब ऐसा हुआ तो विक्रमशिला के आचार्य माने, लेकिन मानने में जाने के लिए 3 वर्षों का उन्होंने समय लिया, जब तैयारी करेंगे, और तब जाकर 3 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आतिश दीपंकर श्री ज्ञान विक्रमशिला गए, और विक्रमशिला से जब तिब्बत गए, तिब्बत के लोगों ने मन से स्वागत किया, उनकी बातों को समझा, और जो बीज उन्होंने तिब्बत में तब बोए, आज भी कोई तिब्बती कहीं भी हो विश्व में उसी बीज को ग्रहण करके वृक्ष रूप में उसको आप देख सकते हैं। सोच वही वज्रयान की जो सोच आई उसके उत्पत्ति विक्रमशिला से हुई। उसी प्रकार अलग अलग संस्कृतियां, ना जापान, कोरिया, थाईलैंड, कहीं भी आप जाएंगे तो टाउन्स के नाम, सिटीज के नाम, उनको अगर आप देखेंगे तो कई नाम आपको बिहार के, प्राचीन बिहार के नगरों से मिलते जुलते मिलेंगे। इट वॉज अ लैंड ऑफ इंस्पिरेशन, लैंड ऑफ नॉलेज, इसीलिए तो इतने दूर से लोग आते थे, और जब आते थे बहुत लोग लौट के जा भी नहीं पाते थे। आज तो आना आसान है, पटना से कैमूर आने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ से कहीं जाने में कोई समस्या नहीं, आप बनारस से फ्लाइट ले सकते हैं, भभुआ रोड स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं, सो मेनी वेज मीन्स टू ट्रेवल। उस समय हिमालय से आना आसान नहीं था, लेकिन लोग आते थे। जहाँ ज्ञान होगा चीजें तो और होंगी, यदि व्यक्ति में ज्ञान आ जाए तो व्यक्ति अपने आप पढ़ता है। बिहार में जब ज्ञान आया तो श्योर लैंड ऑफ ग्रेटरी माइट, क्यों ऐसा हुआ जब सोचते हैं
अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना बिहार से ही हुई, उस शौर्य का स्मरण करते हैं जो बिहार में कभी था, कैसे था। ज्ञान आएगा तो स्वतः शौर्य भी आएगा। बिहार का शौर्य क्या था, मगध का शौर्य क्या था, अलेक्जेंडर, कितने लोग नाम सुने, अलेक्जेंडर द ग्रेट सुने हैं नाम, क्या थे, कौन थे, पूरे विश्व को जीतने की कल्पना लेकर चले थे। ग्रीस यूनान से चले, जहां भी गए जीतते गए। यूरोप में कोई देश नहीं बचा, उस समय के सबसे बड़ी संस्कृति के रूप में जाने जाने वाली पर्शिया, जिसको यूरोप जानता था, वहां भी राजा थे डारियस, वो भी पराजित हुए। भारत की बारी थी। भारत उस समय अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, गणराज्यों में बटा हुआ था, और तब भारत के अलग अलग महाजनपदों में रहने वाले जो राजा थे अलग सोचते थे, सबकी क्षमता अलग थी। लेकिन उस समय तक्षशिला में मगध से एक आचार्य पढ़ाया करते थे। ज्ञान के लिए बिहार के लोग आज भी सब जगह जाते हैं, उस समय भी तक्षशिला तक लोग यहाँ से पैदल जाते थे, और तक्षशिला में अध्यापन भी करते थे, शिक्षण भी करते थे, शिक्षा ग्रहण भी करते थे। उनके मन में बड़ी चिंता हुई, यदि भारत ने एक होकर इस आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया तो निश्चित है कि अलग क्षेत्र को लौटना पड़ेगा, लेकिन यदि छोटे छोटे खंडों में बंटकर हमने शत्रु का सामना किया तो दिन दूर नहीं है जब यवन सेना पूरे भारत पर हावी हो जाएगी, करें क्या। तक्षशिला के राजा थे तक्षशिलाधीश अम्भी, उन्होंने संधि कर ली। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको आने देंगे, आपकी संप्रभुता को मानते हैं। बड़े विचलित हुए यवन सैनिक आ रहे थे, उनको लगा रहने वाले मगध के थे, मगध की क्षमता को जानते थे। मगध की क्षमता को क्यों जानते थे, क्योंकि मगध का सैन्य बल सबसे अधिक था, अलग अलग जनपदों पर मगध हावी था। और तब उन्होंने उस समय के मगध के नरेश उनके पास आए, नंदवंश का राज था, धनानंद राजा थे, उनसे कहा आप अपने दायित्व को ग्रहण करें, भारत के सीमा की रक्षा करें, तक्षशिला के पार जो क्षेत्र है उसमें यवन सैनिक विश्राम कर रहे हैं, शीघ्र आक्रमण करेंगे। लेकिन तब मगध के नरेश की सोच छोटी हो गई थी, शक्ति थी, सामर्थ्य था, सामर्थ्य तो ऐसा था कि चर्चा होती है कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। ये बात ग्रीक हिस्ट्री के बुक्स में लिखी हुई, उस समय के जितने इतिहासकार आए लिखते हैं मगध की सेना जब चलती है तो उसकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। ऐसी सेना का स्वामी यदि कहे कि जब अलेक्जेंडर आएगा तो मैं देख लूंगा, तो उसने अपने अपनी क्षमता को कम कर रखा है। बड़े निराश होकर जब आचार्य चले तो एक बालक उनको बाहर मिला जो युवा अवस्था में था, उनको कुछ अन्य बालकों के साथ खेल रहा था, उसने स्वयं को राजा मानकर जिस प्रकार संबोधित कर रहा था आचार्य बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक युवा की क्षमता, एक बालक की क्षमता कैसी होती है, उसको जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि भारत का भविष्य यही होगा, अखंड भारत का निर्माण करना होगा जिसमें सभी को जोड़ना होगा, और जोड़ वही सकता है जिसके मन में दृष्टि हो, जिसके मन में इस प्रकार का भेद नहीं हो कि मालव गणराज्य का रहने वाला व्यक्ति और मगध का व्यक्ति भिन्न है। उस प्रकार की सोच का व्यक्ति भारत को जोड़ सकता है। जब लेकर चले तक्षशिला पहुंचे, तक्षशिला में जब यवन सैनिक आए तो चंद्रगुप्त के साथियों के साथ मिलकर यवन सेना में बात फैलाने लगे कि मगध की सेना का सामर्थ्य क्या है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, इस प्रकार की बातें यवन शिविर में होने लगी। यवनों का युद्ध हुआ आज के पंजाब में, उस समय के राजा थे पोरस, कितने लोग नाम सुने हैं, सुने हैं ना कैसा युद्ध हुआ था, अलेक्जेंडर जीते थे, पोरस हारे थे, लेकिन क्या बात हुई थी। लेकिन उस युद्ध में यवन सैनिकों को लग गया कि भारत का सामर्थ्य क्या है। पहले युद्ध में यदि ऐसी कठिनाई हुई और आने वाले समय में यदि मगध से सामना करना पड़ेगा तो सभी यवन सैनिकों को लग गया कि वापस अपने देश तो नहीं जा पाएंगे, मगध का शौर्य ऐसा था। और मगध के शौर्य के कारण जो विश्व के जितने चले थे वैसे अलेक्जेंडर को भी लौटना पड़ गया।
तीन दिनों तक शिविर में बैठे रहे ताकि सैनिक मान जाए, आगे बढ़े, गंगा पार करें, लेकिन सैनिक नहीं माने। मगध की ऐसी क्षमता तब थी, उस समय की बात हो रही है जब विश्व विजय करने कोई निकला हो उसको भी लौट जाना पड़ा। उससे पहले की बात अगर करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या कहा? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, उस समय के राजा जो राजगृह में राज किया करते थे, मगध की सबसे प्रथम राजधानी जरासंध, जरासंध के भय के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको भी अपनी राजधानी मथुरा से दूर द्वारका में सागर के किनारे स्थापित करनी पड़ी। क्या सामर्थ्य रहा हो? जब कंस का वध हुआ तो महाभारत में कथा मिलती है कि जरासंध को बड़ा क्रोध आया, संबंधी थे, गदा घुमाकर जब फेंके तो गदा गिरा कहां? मथुरा के समीप। अब कवि के मन की बात हो सकती है कि गदा घुमा हो और मथुरा के समीप गिरा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि उसको हम भावार्थ समझें तो बड़ा स्पष्ट है। मगध का प्रभाव इतना था, मथुरा में भी कोई व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता था यदि मगध से शत्रुता हो जाए। और इसका प्रमाण तब मिलता है कि जरासंध वध के आख्यान को पढ़ते हैं। तो किसी को दिल्ली से यदि राजगीर आना हो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? क्या मार्ग होना चाहिए? आज तो जैसे आप जीटी रोड है, वैसे उस समय उत्तरा पथ था, गंगा किनारे ही आएंगे ना। सबसे आसान रास्ता तो यही है, दिल्ली से आप कानपुर चलेंगे, कानपुर से आप प्रयाग पहुंचेंगे, प्रयाग से काशी पहुंचेंगे, काशी से पाटलिपुत्र आएंगे, राजगढ़ की ओर जाएंगे। कोई भी समझदार आदमी यही करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम जब चले इस रास्ते से नहीं आए, उत्तर कुरु उत्तराखंड के रास्ते नेपाल के जंगलों से होते हुए सदा नीला गंडक के किनारे को पकड़ते हुए बिहार में प्रविष्ट हुए, और गंडक किनारे चलते चलते सोनपुर के पास उन्होंने नदी पार की, और आज के जहानाबाद में स्थित बराबर की गुफा की जो पहाड़ी है गोरथगिरी, उसके ऊपर चढ़ के जब भगवान श्री कृष्ण ने राजगृह की ओर देखा, उसकी सैन्य संरचना को समझा, तो उन्होंने कहा इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं। चाहते तो क्षत्रियों के वेश में आ सकते थे, लेकिन क्षत्रिय के वेश में आना यानी युद्ध का आमंत्रण, ऐसा नहीं कर सकते थे। सन्यासियों के वेश में आए, साधुओं के वेश में आए, और तब जाकर उन्होंने मल्ल युद्ध का आमंत्रण दिया। इस प्रकार जरासंध का पद हुआ, सीधे बल से नहीं जीता जा सका, इस प्रकार से मल्ल युद्ध में आमंत्रित करके ही संभव हो सका। मगध का उस काल में सामर्थ्य था जिसको इतिहास भी वर्णित नहीं करता। लेकिन जब चीजें बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं? मगध की स्थिति ऐसी क्यों हुई? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि किसी और महाजनपद ने उतनी शक्ति थी? अखंड भारत को भी यदि हम संगठित कर सके तो मगध ने क्यों किया? जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो पाते हैं कुछ तो बात अलग रही होगी। वेदांत की भूमि में जहां सोच भेदभाव की थी ही नहीं, वही बात तो दिखती है। जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद, व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करने वाला जातिवाद जो आज बड़ा हावी है, उस समय इतना हावी नहीं था। सम्राटों के चयन तक में नहीं था। यदि उस समय के सभी महाजनपदों को देख लें, अपवाद कहां मिलते हैं? मगध में मिलता है, जहां का शासक सबसे निम्न वर्ग का भी हो सकता है। उस समय कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था पूरे विश्व में कि रूलिंग क्लास के अलावा कोई व्यक्ति रूल कर सकता है, लेकिन अपवाद बिहार ने प्रस्तुत किया कि सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक हो सकता है। और जहां सोच ऐसी हो जिसका सामर्थ्य है, सामर्थ्य का जब सम्मान हम करते हैं चीजें आगे बढ़ती, तभी तो मगध का विस्तार हुआ। और जब मगध का विस्तार हुआ, अफगानिस्तान के पार तक हम पहुंच चुके थे। एक रूप में सशक्त शासन, सोच बड़ी थी, सोच बड़ी थी, इसीलिए हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। आज क्या स्थिति है? कोचिंग के लिए भी लोग कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। पूरे दुनिया भर से जिस क्षेत्र में लोग पढ़ने आते हो, अगर कोचिंग करने के लिए वहां के बच्चों को कोटा जाना पड़े तो पीड़ा होती है कि नहीं होती? अपने घर को छोड़ के कौन जाना चाहता है? लॉकडाउन लगा, क्या स्थिति टीवी पर देखने को मिली? पूरे भारत भर से मजदूर पैदल चलने लगे, पैदल चलकर बिहार की ओर आने लगे, बच्चे को गोद में लेकर आने लगे, सामान को कंधे पर टांग के लाने लगे। क्यों स्थिति ऐसी हुई? कोई अपने गांव को घर को छोड़ के जाना चाहता है क्या? कोई चाहता है क्या? हर व्यक्ति चाहता है अपने सगे संबंधियों के साथ रहे, अपने गांव में रहे, क्योंकि जो सम्मान अपने गांव में अपने क्षेत्र में मिलता है कहीं बाहर चला जाए। आज तो लोग दुत्कार देते हैं बिहारी, लेकिन क्या गांव में कोई दुत्कारता है?
कौन आदमी ऐसा होगा जो आत्मसम्मान के साथ जीना नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है उस गौरव के साथ रहना, और वो भी उस बिहार का व्यक्ति जिसके बारे में जब पहले कभी जाते होंगे अफगानिस्तान तक में लोग सम्मान के साथ देखते हैं, उसको यदि अपमान जानते हुए भी जाना पड़े पीड़ा होगी कि नहीं होगी? लेकिन यदि रोजगार के साधन नहीं हो तो क्या करेगा? जाता है, मजदूरी करता है, घर से कुछ कमा के लाता है, पर ऐसा क्यों करना पड़ता है? यदि बिहार में रोजगार के साधन हो तो बाहर जाएगा? यदि उसके गांव में वैसे रोजगार के साधन हो, उसके नगर में हो, क्यों जाएगा? आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई कि जिस बिहार में कभी भगवान बुद्ध की जब सभाएं लगती थी, आप कैमूर में हैं, कैमूर में यदि आप जाएंगे अधौरा पहाड़ पर तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के हैं। मैं भी घूमता था जिस समय रोहतास में SP बना था, तो रोहतास और कैमूर तो जुड़ी हुई पहाड़ी है, अलग तो है नहीं, जिले की सीमाएं हो सकती, पहाड़ी तो एक है। तो सारे अभियानों में रुकता अधौरा में ही था, या टेहरी से चले रोहतास से चढ़े तो उतरे अधौरा में, इस प्रकार से काम करते थे। और कैमूर के पहाड़ पर जो अवशेष मिलते देखता, प्राचीन काल में मानव के सबसे पुराने अवशेष प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पर्वतों पर हैं, जो बताते हैं उस समय के लोग अपनी कला को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे थे, अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे थे। भगवान बुद्ध भी जब चले, जब उनको ज्ञान हुआ, ज्ञान कहाँ हुआ? बोध गया में। ज्ञान का पहला उन्होंने प्रकाश कहाँ किया? सारनाथ में। मार्ग क्या था? यही तो मार्ग था, इसी मार्ग से तो गए थे, तभी तो पूरे मार्ग में बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष मिलते हैं। क्या उद्यमिता थी जिस समय भगवान बुद्ध की सभा होती थी? बिहार के ऐसे सृष्टि थे, ऐसे मर्चेंट्स थे जो उस भूमि को सोने के सिक्के बिछाकर खरीदने का सामर्थ्य रखते थे, ऐसी बात बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। चंपा को कहा गया विश्व का पहला नगर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, DAV से शिक्षिका आई थी, चंपा के बारे में उन्होंने बताया। चंपा को कहते थे विश्व का पहला नगर, क्यों कहते थे? कुछ तो बात रही होगी, इसमें बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा गया। पूरे विश्व भर से लोग व्यापार करने आते थे, बे ऑफ बंगाल में जहाजें लगती थी, वहां से नदी मार्ग से चंपा की ओर आते थे, और जब उस नगर को देखते, वहां की संस्कृति को देखते, इतने प्रेरित हुए कि आज अगर आप चंपा टाइप करेंगे तो भागलपुर का चंपा आपको नहीं मिलेगा। शायद कुछ लिंक्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के, इसमें मिल जाए, लेकिन सारे लिंक्स उस चंपा के मिलेंगे जिस नाम से वियतनाम कभी जाना जाता था। आज हम वियतनाम कहते हैं, 2nd century AD से 17th century AD तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? लोग इतने प्रेरित हुए, सब वियतनाम वासी बाध्य हो गए, उन्होंने अपने देश का नाम तक चंपा रख दिया। और आज भी आप थाईलैंड घूमने जाइए, कहीं जाएंगे, छोटे छोटे नगरों के नाम आपको प्राचीन उस बिहार के नगरों के नाम से मिलते जुलते मिल जाएंगे। लेकिन वैसे बिहार में यदि आज शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़े, रोजगार के अवसर नहीं हो, बाहर जाना पड़े, क्या गड़बड़ हो गई? इतने सालों में जिसे तो आगे पढ़नी चाहिए, वेद से वेदांत की ओर गए, शून्य का हमने आविष्कार किया, उद्यमिता की ऐसी भावना थी। अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे चाणक्य के तो पाएंगे कितने प्रकार के अलग अलग व्यवसाय पाटलिपुत्र में उस समय होते थे जिस पर कर लगता था। उस बिहार में आज यदि हमारे विद्यार्थी इस प्रकार के हो जाएं, तो रिस्क लेने के लिए जापान तक जाने की यात्रा करने को तत्पर रहते थे, आज हो जाए किसी तरफ पढ़ के एक सरकारी नौकरी लग जाए, कितने लोग सरकारी नौकरी लग सकती है? क्या हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है? यदि केवल सरकारी नौकरी कोई करेगा भी, कितने लोगों का विकास करेगा? अपने परिवार का करेगा, भरण पोषण करेगा? लेकिन वही व्यक्ति यदि कोई उद्योग स्थापित करे, उद्योग से कितने लोगों को फायदा होगा? अपने परिवार को तो होगा ही, जिन लोगों को रोजगार देगा उनको भी फायदा होगा। कितना अंतर! आज गुजरात का कोई व्यक्ति यदि उसके युवा से बात करें, क्या बात करता है? व्यापार की बात करता है, उद्योग लगाने की बात करता है। अब सोचिए क्या कारण है आर्थिक विकास का। बिहार के व्यक्ति से बात करें तो क्या करता है? आंदोलन करता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं दोगे तो वोट नहीं देंगे। दूसरी बात क्या करता है? केवल नौकरी तक बात होती तो होती, अच्छी बात थी, केवल नौकरी नहीं चाहिए। यदि आप देखेंगे तो हम विवाद क्या कर रहे हैं, तो हमारी जाति के कितने नेता विधानसभा में पहुंचे, हमारी जाति के कितने मंत्री बने, मेरी जाति का वोट कितना है,
मेरी जाति का वर्चस्व कितना है, मेरी जाति का क्रिमिनल कौन है, मेरी जाति से डॉन कौन है। यदि ऐसी बात हम सोचें, उस बिहार के लोग जिनकी प्रेरणा कभी दूर जापान तक भी महसूस की जाती थी, तो भविष्य क्या होगा? कितने लोग चाहते हैं भविष्य उज्ज्वल हो? सब लोग चाहते हैं ना। अगर चाहते हैं, चिंता तो होती है, लेकिन चिंता करने से कोई समाधान नहीं होगा। सपना क्या है? लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। अभियान का सपना क्या है? एक ऐसे बिहार का सपना है जिसमें शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। जिस प्रकार से नए आविष्कार हम उस युग में कर रहे थे, हम आज क्यों नहीं कर सकते? उन्हें यशस्वी पूर्वजों के तो वंशज हैं, कहीं किसी और के तो नहीं आ गए? हमारे ही तो पूर्वज थे जो उस काल में जब संसाधन नहीं थे, अखंड भारत के साम्राज्य की रचना कर सकते थे, स्थापना कर सकते थे, सशक्त शासन कर सकते थे। हमारे ही तो पूर्वज थे जो ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, चंपा और पाटलिपुत्र जैसे नगरों को स्थापित कर सकते थे, प्राचीन माता मुंडेश्वरी धाम मैं स्वयं खड़ा हूं। हमारे ही तो पूर्वज थे जो ऊंचे पर्वतों पर ऐसे मंदिरों का निर्माण कर सकते थे जब टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी। हमारे ही तो पूर्वज थे जो 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास दुर्ग को स्थापित कर सकते थे, जिसके बारे में मुगल लेखक फरिश्ता ने भी लिखा कि इस दुर्ग को बल से जीतना संभव नहीं है, केवल छल से ही जीता जा सकता है। विशाल पर्वत पर स्थित रोहतास का किला, उसके बारे में फरिश्ता ने लिखा। और इतिहास देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या कभी दुर्ग को सीधे युद्ध में जीता जा सका? अफगान शासक शेरशाह सूरी बाद में भारत के सम्राट बने, प्रथम विजय उन्होंने रोहतास दुर्ग पर प्राप्त की थी। कैसे प्राप्त की थी? अफगान सैनिकों को महिलाओं के वेश में डोलियों में अंदर भेजा गया था, तब जाके अफगानियों ने इस किले पर कब्जा किया था। लेकिन यदि सीधे युद्ध में करना चाहते तो संभव नहीं था। उससे पहले भी जब खरवारों ने या उरांव में जब लड़ाई हुई, सीधे युद्ध से इस किले को जीता नहीं जा सका, ऐसे प्रमाण उरांव लोक गीतों में भी मिलते हैं। जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई थी, सोचिए बाल्यकाल से अवस्था, नाइन्थ में था, लोगों ने बिहारी कहा, मैंने भी पढ़ा, परिश्रम किया और क्लास में फर्स्ट आया, इसीलिए आया ताकि लोगों को बता सकूं कि बिहारी में क्षमता क्या है। जो उपहास का पात्र समझते थे, जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता कितनी है, सम्मान का भाव स्वतः जागृत होने लगा। परंपरा आगे बढ़ती गई, आगे पढ़े लगा कि सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़े, IIT की तैयारी मैंने शुरू की। जब IIT की तैयारी शुरू की है, बड़ी अच्छे से परीक्षा दी 1997, परीक्षा देकर आए, सुबह जब माँ ने उठाया तो बताया कि पेपर लीक हो गए। इतनी अच्छी परीक्षा दो और उसके बाद पेपर लीक हो जाए, सोचिए कैसी पीड़ा हो। पिताजी उस समय दिल्ली में पोस्टेड थे। पीड़ा और बढ़ गई जब पता चला इस पेपर लीक का केंद्र बिहार था, पेपर पटना से लीक हुए। एक बिहारी बच्चे के मन में क्या स्थिति होगी इसको कल्पना कीजिए। पूरी मेहनत करता हो, परीक्षा से पेपर लीक हो जाए, पता चले पेपर लीक का केंद्र वही बिहार था जहाँ के तुम रहने वाले हो, रह कर रहे हो दिल्ली में रह रहे हो। बड़ी परिश्रम किए, दोबारा परीक्षा हुई, IIT कानपुर पहुंचे। वहां पर पहले वर्ष तक तो पिताजी दिल्ली में थे, सेकेंड ईयर में जब आए पिताजी की पोस्टिंग फिर हो गई बरौनी रिफाइनरी। गर्मी की छुट्टियां आई, सब लोग घर जाने लगे, घर से फोन आया अभी रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादियां होती। बड़ी अजीब सी स्थिति, अजीब सा पेन, पीड़ा। क्या करना चाहिए? जिस बिहार में कभी ऐसे विश्वविद्यालय थे, लोगों की सोच ऐसी क्यों हो गई? मेरा योगदान क्या होगा? जब नौकरी लगी, भारत में भी लगी, बेंगलोर में लगी, विदेश में भी लगी, तो लगा अपने लिए तो जीविका उपार्जन कर लूंगा, रह लूंगा, लेकिन दोबारा जब कभी बेगूसराय की धरती पर जाऊंगा, उसी समस्या को उसी रूप में पाऊंगा, मन तो पूछेगा अपने जीवन में तुमने क्या योगदान दिया। एक आचार्य चाणक्य के मन में जब पीड़ा जगी कि भारत यदि खंडों में बटा रहा तो पराधीन हो जाएगा, एक एक व्यक्ति को जोड़ने में लग गए। अपने जीवन काल में ही एक युवक के साथ चलते हुए उन्होंने अखंड भारत के साम्राज्य को खड़ा कर दिया, जो सैकड़ों वर्षों तक स्थापित रहा। चीजें क्यों नहीं बदल सकती? आज क्यों नहीं बदल सकते? क्यों ऐसे दुर्दशा है? यदि व्यवस्था की समस्या है जिसमें लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, बिहार की स्थिति ऐसी क्यों कि लोग हंसते हैं,
पास के पक्ष कैसे बन गए बिहारी? जिस बिहार में इतनी क्षमता तब थी जब संसाधन नहीं थे, तो आज क्या कमी? उन्हीं पूर्वजों के तो वंशज है, डीएनए तो वही होगा। आज भी सोच वैसी ही होगी। जिस भूमि में तब शून्य की खोज हम कर सकते थे, तो क्या आज हम बड़े सिद्धांतों की खोज नहीं कर सकते? चीजें तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो स्वच्छ रहती हैं, अच्छी रहती हैं। नदी जब बहती रहती है तो पानी शुद्ध रहता है, लेकिन नदी की धारा जब रुक जाती है तो क्या हो जाता है? जब पानी स्थिर हो जाए तो क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो पीने योग्य नहीं रह जाता है। बिहार की स्थिति यदि आगे बढ़ती रहती, विधान से प्रारंभ हुए, विश्वविद्यालय स्थापित करते गए, अखंड भारत साम्राज्य के निर्माता बने, आज स्थिति क्या होनी चाहिए थी? सबसे अग्रणी होने चाहिए थे, तो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे, आज भी उसी रूप में स्थापित रहने चाहिए थे। क्यों ऐसा हुआ कि हम स्थिति में विपरीत चलते चले गए? क्यों ऐसा हुआ कि जब आज श्रृंखला बनती बिहार सबसे पीछे आता है? क्या इन प्रश्नों पर चिंतन नहीं करना चाहिए? जब चलता रहा, ऐसा चलता रहा तो क्या भविष्य उज्ज्वल होगा? बिहार कैसे बदलेगा? बिहार तो तभी बदलेगा ना, शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिहार का भविष्य बदलेगा क्या? और सबसे बड़ी पॉपुलेशन बिहार में यूथ की है, युवा है। युवा क्या चाहते हैं? शिक्षित होना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, बेसिक तो यही नीड है। यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। लेकिन यदि एक समय ऐसा था जब अपने जीवन काल बिना संसाधनों के भारत देख हो सकता था, उद्योग स्थापित हो सकते थे, उद्यमिता स्थापित हो सकती थी, आज क्यों नहीं हो सकता? किसने रोक रखा है? सोच बदलनी होगी। यदि हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ने का काम करते रहे, स्थितियां और विपरीत ही होंगी, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हम मिलकर चलने लगे, एक रथ की कल्पना के रथ, चार पशु जिसको मिलकर खींचते हो, चार जानवर जिस रथ को खींचते हो, यदि एक कहे कि मैं बाएं जाना चाहता हूँ, दूसरा दाएं जाना चाहे, एक आगे जाना चाहे, पीछे जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? चलेगा क्या? जब एक रथ की स्थिति ऐसी है, तो समाज में यदि हम आपस में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर, भेद के नाम पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तो समाज आगे बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा क्या? इसीलिए तो लेट्स इंस्पायर बिहार में, पूरे बिहार में घूम घूम कर लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो संघर्ष छोड़कर सहयोग करना होगा, सहयोग की भावना को जन्म देना होगा। जो प्राचीन बिहार में कभी थी, अपवाद की बात मगध की हुई, दूसरा अपवाद कहाँ था? वैशाली। वैशाली को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं वैशाली को? विश्व का पहला गणतंत्र, उस रूप में वैशाली का स्मरण करते हैं। वैशाली क्या थी? वैशाली तो राजधानी थी उस क्षेत्र की, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। 7,707 गणराजा चुने जाते थे, they used to get elected, और चुनकर हर वर्ष वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति का चयन करते थे। सोचिए कैसी भावना रही होगी। आज इतने लोग हैं, माइक है, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 7,707 व्यक्ति मिलकर बिना विवाद के अपने गणाधिपति का चयन कर पाते थे। कैसे कर पाते होंगे? यदि दो लोग भी आपस में बैठते हैं तो किसी बात पर विवाद होता है कि नहीं होता है? अगर 10 लोगों को बिठा दें कमरे में, 40 लोगों को बिठा दें, टीचर बोल दे कि भैया एक प्रश्न है जिस पर आप डिबेट करो, एक कंक्लूजन ले आओ, कंक्लूजन निकालना आसान होता है क्या? हर व्यक्ति की सहमति उसमें होगी, सबके विचार अलग हैं, भिन्नता है, लेकिन बिहार में उस भिन्नता में हमने एकता को पाया था, तभी तो वेदांत में हमने कहा सबके अंदर वही जो सर्वत्र स्थापित है। उस सोच के साथ ही तो उस क्षेत्र में कभी 7,707 व्यक्ति भी मिलकर एक साथ एक निर्णय ले पाते थे, प्रत्येक के उसी सोच के कारण तो अखंड भारत के साम्राज्य को जोड़ पाए, पंजाब के व्यक्ति को, कश्मीर के व्यक्ति को, अफगानिस्तान के व्यक्ति को कैसे जोड़ पाए? सोच एक थी, मन के भाव एक थे, मन के भाव मन को जोड़ते हैं। तब जब ऐसा कर सकते तो आज किसने रोक रखा? आज क्यों हम लड़े पड़े हैं? और लड़ते रहे तो कहां आगे बढ़ेंगे? रथ नहीं बढ़ सकता, बिहार कहां आगे बढ़ेगा? सोचना होगा, चिंतन करना होगा। और युवा, इसलिए बात करने का तात्पर्य युवा संवाद,
सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति में है जो युवा है। इतिहास में परिवर्तन ऐसे व्यक्ति कर सके जो युवा थे। चंद्रगुप्त की हम लोगों ने बात की, आदि शंकराचार्य, कितने लोग नाम सुने? तो लोग सुने, केवल 8 वर्ष के थे, 8 ईयर्स, जब घर से संन्यास लेकर निकले थे। 16 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने शिक्षा को समाप्त कर लिया और उसके बाद भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकले। 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की। केवल 32 वर्ष के थे जब तक रहे, लेकिन उन 16 वर्षों में उनकी जो कृति रही, आज भी भारत के किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, उनका स्मरण अवश्य हम करते हैं। भारत को एक सूत्र में किस प्रकार बांधना हो इसकी जो कल्पना करें, आदिशंकर का स्मरण करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने प्रथम दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इतनी कम उम्र की अवस्था में ऐसी सोच रखते होंगे तभी तो ऐसा कर सके। तो आज यदि हम सोचते हैं कोई व्यक्ति छोटा है उम्र से, उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा सोचना ठीक है क्या? सामर्थ्य क्या है? इसी बिहार में उपनिषदों की दृष्टि हुई। एक मंत्र जो लेट्स इंस्पायर बिहार घर कार्यक्रम में निश्चित बोलता हूं, आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं। ईशावास उपनिषद में जो लोग पढ़ते हैं, इस मंत्र को यदि ग्रहण कर लो, उससे पहले पंक्तियां सुना रहे थे, काम शुरू करते नहीं भैसे नीचे लोग, 3 तरह के लोग होते हैं। मंत्र को यदि ग्रहण करते हैं, मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। इस मंत्र के मंत्र को यदि समझ गए तो जीवन में कोई लक्ष्य कठिन नहीं, हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मंत्र को यदि ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। एक शब्द बड़ा कॉमन है, क्या है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा, कंप्लीट। किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को पूरा कहते हैं क्या? क्या किसी में सभी गुण है जिसको आप पूर्ण कह सकें? किसी आपके दोस्त को जानते हो जिसको आप पूरा कह सकें, है कोई क्या? अगर कोई पूरा नहीं है तो मंत्र क्या है? मंत्र कहता है कि जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। क्या अर्थ? ऋषि ने ऐसा क्यों कहा? कितने लोग सुने हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, हर आत्मा परमात्मा का अंश है? कितने लोग सुने? काफी लोग सुने, और तो सुने और मानते हैं। कल्पना कीजिए यदि किसी स्वर्ण को, सोने के टुकड़े को खंडित करें छोटे छोटे भागों में, तो छोटा सा जो टुकड़ा होगा उसमें गुण क्या होगा? गोल्ड को काटेंगे तो गुण क्या होगा छोटे से टुकड़े में? सोने का ही होगा ना। सोने को काटेंगे लोहा तो नहीं बन जाएगा। तो यदि परमात्मा का अंश सब में है तो परमात्मा के गुण क्या हैं? परमात्मा के गुण क्या हैं? क्या परमात्मा के गुणों को हम किलोग्राम में, किलोमीटर में डिस्क्राइब कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। गुण तो असीम है, इनफाइनाइट। क्या किसी क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं परमात्मा के गुण क्या है? जो पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखता हो वैसे गुण असीम ही तो होंगे। इन्फिनिटी को यदि हम डिवाइड करेंगे, मैथमेटिक्स क्या बताती है? इन्फिनिटी का कितना भी छोटा काटोगे, छोटा सा जो कण होगा क्या होगा? क्या होगा? असीम होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो यदि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है तो हर आत्मा का गुण क्या होगा? क्या गुण होगा? क्या गुण होगा? असीम, इनफाइनाइट। हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर व्यक्ति जो सभा कक्ष के बाहर है, हर व्यक्ति जो कहीं ऊपर मुंडेश्वरी माता के मंदिर पहाड़ पर भी बैठा है, उसका सामर्थ्य क्या है? क्या है सामर्थ्य? इनफाइनाइट। और जिस व्यक्ति का सामर्थ्य असीम हो, वह यदि कहे कोई लक्ष्य कठिन है, तो ऐसा कहना उचित है क्या?
तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत लगती हो, बिहार कैसा भी लगता हो, यदि आप कहते हैं कि बिहार नहीं बदल सकता, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा, स्वयं को दुर्बल समझना, कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। जिसके अंदर पूरे सृष्टि की शक्ति समाहित हो, वह व्यक्ति यदि कहे कि कोई लक्ष्य कठिन है, तो उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। उठो, जागो और प्रयास करो, जब लक्ष्य न मिल जाए। इसी मंत्र के दृष्टि से तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, पूरे विश्व को प्रेरित कर गए, लेकिन कहा सकते अपने ही ग्रंथों को पढ़ के तो किए। जो ज्ञान हमारा था, जो हमारा ज्ञान प्रस्फुटित होता है, विवेकानंद निकलता है, जो हमारा ज्ञान प्रस्फुटित होता है, स्वामी दयानंद निकलते हैं। ज्ञान कहाँ है? हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। कैसे पूर्वज थे? उस समय भी लोगों को जोड़ना जानते थे। जब इतिहास के ज्ञान से काम करते हैं, बघा की बात हो रही थी, बघा में मैंने देखा, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 2006 में, किडनैपिंग हुआ करती थी, वर्षों से हुआ करती थी बिहार के उत्तर में। आज बघा है, अभी हाल के दिनों में आप न्यूज में देखते होंगे, आदमखोर बाघ के द्वारा लोगों को लक्षित किया जा रहा है, इसके न्यूज में है। एक समय न्यूज बाघ की नहीं आती, लोगों के अपहरण की आती थी, और लोग अकेले किडनैप नहीं होते थे, पूरी पूरी गाड़ियां भी किडनैप होती थी। पटना का सिटी एसपी था, वहां से पोस्टिंग बघा हुई, जब गए चार किसानों की हत्या डकैतों ने कर दी थी, पुलिस फायरिंग हुई, दो लोग मारे गए, लोगों ने आंदोलन किया, पोस्टिंग हुई। जब चीजों को समझने लगे, पटना में तो किडनैपिंग किसी की होती थी, फोन आता था, रोड पर लोग कैंडल लाइट मार्च निकालते थे, इतनी स्थिति ऐसी होती थी, ऐसा दबाव होता था कि रात भर सो नहीं पाते थे। लेकिन जब बघा पहुंचे, वहां जब किडनैपिंग हुई, जब मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया, बड़े परेशान होकर बताया, पहली किडनैपिंग थी, जाने के 7 दिन बाद दो लोगों को डकैतों ने किडनैप कर लिया, लेकिन कोई रिएक्शन था ही नहीं। पटना में यदि किडनैपिंग बताता था, बड़े कौतूहल के साथ, बड़े दर्द के साथ लोग सुनते थे, लेकिन बघा की किडनैपिंग ऐसी सामान्य थी। उन्होंने कहा, भाई यहाँ तो चलता रहा है, तुम भी आराम से रहो, चलता रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं। मिनी चंबल कहते थे। और जब किडनैपिंग होती थी, तो फोन से कोई रैंसम नहीं मांगा जाता था, बाकायदा चिट्ठी आती थी, चिट्ठी पर लिस्ट बना रहता था, इतने पैसे दे दो, इतना अनाज दे दो, इतने चांद मार्का की लुंगी दे दो, इतने अंग्रेजी दे दो, इतने देसी दे दो, इतने खसी दे दो, इतने मुर्गे दे दो, इस प्रकार की लिस्ट रहती थी। और नीचे लिखा रहता था, जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार और गैंग का नाम, और उसकी मोहर लगी रहती थी। उसके नीचे लिखा रहता था, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की भी सुविधा है, यदि एक बार नहीं दे पाए तो दोबारा भी दे सकते हैं, तो फिर पुनः पकड़ लिए जाएंगे। अंग्रेजों ने लिख दिया उस क्षेत्र को गजेटियर में, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। लोग क्या कहते थे, महर्षि वाल्मीकि की भूमि, वाल्मीकि नगर आज भी है। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? महर्षि वाल्मीकि भी तो वाल्मीकि बनने से पहले क्या थे? रत्नाकर थे, लोगों को लूटा करते थे। उस समय जब ऐसा अपराध था, तो चंपारण में तो अपराध समाप्त हो ही नहीं सकता, ऐतिहासिक है। लेकिन दृष्टि हम लोगों ने कैसे बदली? सबसे पहले गन्ने की खेत थे, गन्ने की खेती होती थी, 50-50 लोग एक गिरोह में रहते थे, सैलरी मिलती थी, छुट्टी भी मिलती थी, लेकिन पैसा आता कहाँ से था? किडनैपिंग से भी आता था, गन्ने की खेती से आता था। 320 एकड़ खेत गन्ने का हम लोगों ने चिन्हित किया, कटवाया, 25 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा हुए वर्ष 2006-07 में। आर्थिक रीढ़ टूटी, अनेक मुठभेड़ें हुई, कई लोग मारे गए, लेकिन समस्या का समाधान इससे नहीं होता। अनेक अभियान चले थे, अलग अलग नाम से चले थे, ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर, इस पर पुलिस जाती, जंगलों में घूमती, लेकिन अपराध शांत नहीं हुआ। शांत कैसे हुई चीजें, कैसे परिवर्तन हुआ? लोगों से हम जुड़ने लगे, जिससे पूछते जुड़कर मन की बात कहने लगे, क्षेत्र में इतनी अशांति क्यों है, क्यों इतनी अशांति है? कोई व्यक्ति इस प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं कर सकता, पर्यटन की इतनी संभावना, जहां पूरे बाघ इतनी बड़ी संख्या में आज भी विद्यमान है, इतने लोग क्यों नहीं आना चाहिए? क्या दशा हो रखती? तुम कहते हो कि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, लेकिन रत्नाकर, यदि रत्नाकर ही रहे होते, वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित नहीं हुए होते, तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? कितने रत्नाकर आए, कितने चले गए, कितने खराब लोगों को हम लोग याद करते हैं। याद किसको इतिहास करता है? जिसने जीवन में कुछ अच्छा किया हो,
सकारात्मक किया हो उसी को याद करते हैं ना, श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो भाई तुम्हारे जो भाई बंधु भटके हुए हैं क्यों नहीं इनको समझाते हो उनकी अपनी भूमि के प्रति क्या दायित्व तो है। और जब मन की बात निकलती है, मन को छूती है, बघा में कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले एक परिवार को हम लोगों ने समझाया, उन्होंने अपने परिजन को समझाया, आत्मसमर्पण शुरू हुआ और एक के बाद एक 26 बड़े गिरोहों का समर्पण हुआ। और स्थिति ऐसी थी कि कभी किडनैपिंग 100 कभी 150 प्रति वर्ष पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती थी। 2008 में जब मेरी पोस्टिंग 6 में हुई और 8 में जब मैं निकल रहा था, 2008 में किडनैपिंग की संख्या 0 आ गई थी। और उसके बाद से आज तक 0 है। परिवर्तन, लोगों से जुड़ना इतिहास के साथ, उस इतिहास को देखने की दृष्टि अलग है। इतिहास से हम सीख क्या रहे थे कि वाल्मीकि इसके समय से अपराध चल रहा था, लेकिन जब उससे ये बात हुई कि रत्नाकर यदि वाल्मीकि नहीं बने होते तो आज वाल्मीकि को कौन जानता। हृदय परिवर्तन, बघा परिवर्तित हो गया। रोहतास, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी, DSP शहीद हुए थे 2006 में विक्रमगंज में, कितनी दूर है पटना से। कितने लोग सुने हैं नाम विक्रमगंज का, सुने होंगे अखबारों में देखे होंगे। DSP साहब शहीद हुए, दो थाने राजपुर बघेला हमला हुआ था 2007 में, कई पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। पहाड़ पर जब भी पुलिस जाती कुछ ना कुछ नुकसान होता ही था, कई लोग लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे गए। रोहतास के अनेक क्षेत्रों में लैंडमाइन ब्लास्ट हुए, जयपुर में भी हुए, लोग मारे जाते थे। उस पर्वत पर रोहतास किले पर कभी तिरंगा नहीं लहराया था, कोई सुध लेने वाला नहीं था। पहले डकैतों का कब्जा था, 1990 के बाद उग्रवादियों का कब्जा हो गया और उग्रवादियों से अपने प्रशिक्षण स्थल के रूप में प्रयोग करने लगे। पहाड़ पर पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था, एकमात्र थाना जो दोनों जिलों में था अधौरा, केवल अधौरा में पुलिस रहती थी, बाकी इतने विशाल पर्वत के ऊपर पुलिस कहीं नहीं रहती थी। और हर क्षेत्र में आज भी कच्चा ही रास्ता है, उन कच्चे रास्तों पर लैंडमाइंस लगी रहती थी जिसमें विस्फोट हो तो कोई भी गाड़ी ध्वस्त हो जाती थी। जब मेरी पोस्टिंग हुई, बाल्यकाल से मन परिवर्तन तो करना है, बघा में लोगों ने कहा कुछ मत, लेकिन जिद परिवर्तन तो करूंगा। उसी जिद के कारण मैंने परिवर्तन को होते देखा। रोहतास आया तो मन में वही जिद थी, तो प्रारंभ में क्षेत्र को समझने के लिए घूमना होगा, कोई भी जगह आप जाओगे तो घूमेंगे। 2 बार घूमे, क्षेत्र को समझे। आज तो मार्ग बड़ा आसान है, उसमें टेहरी से रोहतास जाने में 4 घंटे लगते थे, हिलते डुलते जाते थे, उस प्रकार जाते थे जैसे मून पे आप क्रेटर्स देखते होंगे फोटो में, वैसा रोड था। उन मार्ग पर चलकर जब पहुंचते अर्ली मॉर्निंग, पहाड़ के ऊपर गाड़ियों से जाते, क्षेत्र को देखते, अगर रोहतास से चढ़े उस साइड से तो अधौरा साइड से उतर के आ जाते। 2 बार क्षेत्र को मैंने समझने का प्रयास किया। 3री बार जब गए तो एक विद्यालय है सोली, सोली गांव में 3 सितंबर 2008 की सुबह 5 बजे जब पहुंचे तो लोग आराम से गांव में जैसे रहते हैं, सुबह उठते हैं, कोई दातुन कर रहा होता है, कोई खेत में कुछ और कर रहा होता है, कोई स्नान के लिए जा रहा हो, वही अवस्था थी, लोग जगे हुए थे। मुझे एक विद्यालय देखना था जिसमें बच्चे रहते थे, तो उस विद्यालय में देखना चाहता था कि क्या उसको किसी पुलिस ऑपरेशन में प्रयोग में ला सकते हैं, क्या पुलिस उसमें रह सकती है, क्योंकि कहीं भी अगर अभियान चलाना हो तो कुछ जगह चाहिए जहाँ लोग रह सके। उस विद्यालय पर जब पहुंचे तो पुलिस का पोस्ट ऊपर कहीं है ही नहीं, और लगभग अथौरा से उसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास है, वही दूरी उसकी रोहतास से भी 40 किलोमीटर के आसपास थी। ऊपर ना फोन चलता था ना वायरलेस चलता था, कोई माध्यम था ही नहीं जिससे आप बता सकते कि भाई कैसे क्या हुआ। उस सोली गांव में जब पहुंचे, वो गाड़ी जब वहां घूमी, सबसे आगे मैं ही था। 4 फीट की दूरी पर एक व्यक्ति राइफल लेकर खड़ा दिखा, जिसने हरी वर्दी पहन रखी थी और सर पर काले रंग का साफा बांधा हुआ था। व्यक्ति पर ध्यान तो बाद में गया, पहला ध्यान हथियार पर गया। सेल्फ लोडिंग राइफल को देखकर लगा कि शायद पुलिस यहां कहां से आ गई, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, SP तो मैं हूं। लेकिन बंदूक मेरी ओर तनी हुई थी, अगर बंदूक उसे चल गई होती तो आज यहां कैमूर में नहीं रहता, युवा संवाद नहीं हो रहा होता। लेकिन ईश्वर जब चाहते हैं तो वही होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो व्यक्ति राइफल लेकर खड़ा था यदि गोली चलाना चाहता
कोई रोक नहीं सकता, हम भी तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ तो बात थी कि व्यक्ति डर गया और राइफल लेकर खड़ा व्यक्ति भी अंदर की ओर भागा, अपने साथियों को सचेत करने चला गया और इतना समय काफी था कि हम भी सचेत हो गए, गोलियां चलने लगी। करीब 10 मिनट तक ही 1000 से अधिक गोलियां दोनों तरफ से चल चुकी होंगी। करीब 20 उग्रवादी उस स्कूल में थे और 40 उग्रवादी उस गांव में अलग अलग घरों में दो दो करके रुके हुए थे। गोलियां हर ओर से चल रही थी। 10 मिनट तक उथल पुथल का माहौल था, 6 इंच के बगल से गोलियां निकल रही थी, आवाज आ रही थी और हम लोग अपने शरीर को देख रहे थे कि भाई सब ठीक है या नहीं, लेकिन माता मुंडेश्वरी की कृपा थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। पूरी टीम गई, 10 मिनट के बाद पुलिस की एंटी लैंडमाइन व्हीकल आई, उसको देखकर जो व्यक्ति ऊपर छत से गोलियां चला रहा था वो भी नीचे कूद कर भागा। जंगलों की तरफ सारे उग्रवादी भाग गए और पुलिस वहां से 3 पुलिस राइफल जो पुलिस से ही लुटी हुई थी और बहुत सारी ऐसी सामग्री जो मेडिकल कैंप लगाने के लिए रखी हुई थी, बहुत सारा साहित्य, इसको लेकर हम लोग वहां से निकले। पहली बार ये अवसर था जब उग्रवादियों की मांग में पुलिस गई थी और बिना नुकसान के लौटी थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद दूसरा अभियान प्लान हुआ, कुछ कमी आ गई, एक गाड़ी खराब हो गई और थोड़ा के बाद एक गांव है लोहरा, उसके आगे एक और गांव था दुधवा दुखा, दुखा गांव में एक गाड़ी खराब हो गई और जब खराब हुई तो वहां पर लोगों ने जो टीम थी, कोई संपर्क का माध्यम नहीं था, मैं तो डेहरी ऑन सोन में बैठा था, फोन आया, हम लोगों ने डेहरी से मैकेनिक भेजने की कोशिश की कि जाकर वहां ऊपर गाड़ी ठीक करे, लेकिन तब तक लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ लोग आगे चले जाएं, कुछ लोग पीछे चले जाएंगे, वापस लौटेंगे, यही निर्णय को मैंने भी बताया, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हुआ, संचार का माध्यम तो था ही नहीं, न फोन न वायरलेस। एक पार्टी आगे चली गई, उस तरफ उतर भी गई रोहतास, दूसरी पार्टी जिसको अधौरा लौटना था, उनके मन में जब गाड़ी ठीक हो गई किसी प्रकार, हुआ कि आगे जब लोग चले गए पता नहीं किस दुर्दशा में होंगे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो भी चलने लगे। और जब चलने लगे, अभी तो सरप्राइज था, उग्रवादी नहीं जानते थे, अब जब जाने लगे उसी सोली गांव जहां पहले मुठभेड़ हुई थी, उसी सोली गांव के पास एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है और पुलिस की एंटी लैंडमाइन गाड़ी आज भी, उस समय जब ब्लास्ट हुई थी 2008 के 24 सितंबर को, आज वैसे ही रखी हुई है। आज वह पहाड़ पर घूमने जाएंगे तो आपको गाड़ी वैसे ही मिलेगी। एक जवान शहीद हुए, तब मैंने भी निर्णय लिया परिवर्तन तो करूंगा, ऐसे नहीं होगा तो जैसे होगा वैसे करूंगा। और पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विध्वंस। 1000 पुलिस के जवान लगे, 300 रोहतास से चढ़े, 300 कैमूर से चढ़े, दोनों एसपी नेतृत्व कर रहे थे, 300-400 के करीब अलग अलग संख्या में पहाड़ों के आसपास नीचे बैठे हुए थे, इस प्रतीक्षा में कि उग्रवादी अगर मिलते हैं तो उनके साथ मुठभेड़ हो। करीब पहला अभियान 4 रातों तक चला, अलग अलग गांव में हम लोग घूमने गए पहाड़ के ऊपर और जहां जाते वहां के लोगों से बात करने का प्रयास करते, जिससे भी बात करते अधिकांश आदिवासी थे, उराव थे, खरवार थे, उनसे बात होती, उनसे जब बात होती सब कहते हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे जिसको बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता था। उनसे हम लोगों ने इस प्रकार का संवाद प्रारंभ किया, यदि तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे तो अपनी ऊर्जा तुम सकारात्मक कार्यों में क्यों नहीं लगाते, क्यों संघर्ष कर रहे हो, पुलिस से कर रहे हो, लोगों से कर रहे हो, बाहरी व्यक्ति को तो छोड़ दो, अपने जिले के लोग जाना नहीं चाहते, क्या दुर्दशा हो गई, मन की बात मन को छूती, जब बात सीधी बात करोगे मन तक जाएगी। उन आदिवासियों के भी गए जिनके पूर्वज कभी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व थे, समझाना आसान नहीं था कि मन की बात जब निकलती है शुद्ध भाव से निकलती अंदर जाती, पर्वत पर हर गांव में वो बात पहुंचने लगी। सोन महोत्सव के नाम से हम लोगों ने एक आयोजन प्रारंभ किया जिसमें पूरे जिले से अच्छे लोगों को आमंत्रित किया और कहा चलते हैं उन क्षेत्रों में जहां लोग मुख्य धारा से कट गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और जब लोगों का समर्थन मिला जिसके बारे में शंकर कैमूरी जी बोल रहे थे, पहली बार मैंने इनको नासरीगंज में सुना था, तब से ही दीवाना हो गया, इतनी अच्छी इतना अच्छा बोलते हैं और तब से आज तक जो संबंध बना स्थापित है, जब भी मिलते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलते हैं, भागलपुर में था वहां भी मिले, लेकिन उस समय एक
संवाद में सोन महोत्सव में शंकर कैमूरी जी भी साथ थे, उन्होंने देखा था किस प्रकार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि रोहतास से कभी उग्रवादी उखड़ पाएंगे। स्थिति इतनी विभत्स थी, जहां जाने में रास्ते में लैंडमाइंस लगे थे, कौन जाना चाहे, निश्चित तो पुलिस तो नहीं जाना चाहता, आम लोग भी नहीं जाना चाहते। रोहतास के लिए कुछ किसी ने देखा ही नहीं। फोटोज हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, रोड पर, स्टेशन पर, जगह जगह बड़े होर्डिंग्स लगाए कि रोहतास आए, पर्यटन स्थल है। उस सोच को बदलना था, पर्यटन भी हो सकता, रोहतास के लड़कों को गांव से बुलाकर उन्होंने डेयरी में बिठाए, पर्यटक गाइड बनने, टूरिस्ट गाइड बनने का उन्होंने ट्रेनिंग दी। सोच बदल रहे थे, सोच बदलो, चीजें बदलेंगी, रोहतास फिर शांत होगा। और जब ऐसा करने लगे, उग्रवादियों का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन लोग करने लगे, उनसे प्रश्न करने लगे कि क्यों हमारे क्षेत्र में इतनी अशांति है, और तब उग्रवादी बाध्य हो गए, जो पूरे क्षेत्र में अपना राज समझते थे, क्षेत्र जिसको लिबरेटेड जोन मानते थे, ऐसे बाध्य हुए कि शस्त्रों के साथ, जिस शस्त्रों को उन्होंने पुलिस से लूटा था, आत्मसमर्पण करना पड़ गया। जिस रोहतास की पहाड़ी पर कभी गोलियां चलती थी, पिछले वर्ष आया था तब भी लव सिंह जी भी साथ आए थे, अश्विनी जी साथ गए थे, जहाँ कभी गोलियों से स्वागत हुआ था, इस बार जब जा रहे थे केवल फूलों से स्वागत हो रहा था, कोई सिंगा बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था। जब किले पर पहुंचे तो आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, लड़के ढोल बजा रहे थे, दृश्य ही अद्भुत था, उस परिवर्तन की जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब पहली बार रोहतास दुर्ग पर हम लोगों ने तिरंगा फहराया था, तब भी सोचा नहीं था कि परिवर्तन इतना शीघ्र होगा। चुनाव नहीं हुए थे पहाड़ पर, वर्ष 2009 में पहली बार हम लोगों ने चुनाव कराने का जो प्रयास किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की कंपनी पर अटैक कर दिया, चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन जिद, परिवर्तन तो करेंगे, उस जिद के कारण दोबारा चुनाव हुए। तीन भवन, बुधवा, सोली और धनसा, तीन गांव में मतदान कराने के लिए 1600 जवान लगे। आमतौर पर एक इलेक्शन में किसी एक भवन में 4 से 5 लोग लगते हैं, तीन बिल्डिंग पर चुनाव करने के लिए 1600 जवान लगे। हेलीकॉप्टर भी आया, वोटिंग मशीन हेलीकॉप्टर से भेजी गई। अभियान आसान नहीं था, उग्रवादी तो पर्वत के ऊपर पहले से विद्यमान थे, अलग मार्गों से पुलिस गई, एक अभियान चला। मई के महीने में पहाड़ पर पानी भी नहीं रहता, ड्रिलिंग मशीन लेकर के वहीं चापाकल खोदेंगे, वहीं पानी निकालेंगे। इतना जिद क्यों? इसलिए क्योंकि लोग अपने हैं, मुख्यधारा से उनको तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक वहां चुनाव नहीं हो। और जब चुनाव हुआ, 50% लोगों ने उस क्षेत्र में मत दिया जहां लोग कहते थे पहले मतदान का बहिष्कार होता था। तब उस परिवर्तन का प्रारंभ हुआ, जिसके कारण आज आप जाइए रोहतास किले पर कभी भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, रुक सकते हैं, रेस्टोरेंट भी बन रहा है, होटल भी लोग बना रहे हैं। कैसे संभव हुआ? इतिहास की बात, उन्हीं पूर्वजों की बात से जब लोग प्रेरित हुए, चीजें बदल गई। और बिहार का इतिहास, हम तो जिस क्षेत्र में हैं, माता मुंडेश्वरी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, जो निर्मित है, आज स्थापित है, इससे प्राचीन मंदिर के अवशेष कहीं मिलते ही नहीं। इसके बाद यदि मिलते हैं तो कानपुर में भीतर गांव में मिलते हैं या मध्य प्रदेश में देवघर में मिलते हैं। ऐसे प्राचीन विरासत के स्वामी यदि हम चिंता करेंगे क्या दशा होगी? बिहार को यदि बदलना है छोटे छोटे वादों से ऊपर उठना होगा, जाति संप्रदाय के बंधन से मुक्त होकर बिहार के लिए सोचना। इसलिए लेट्स इंस्पायर बिहार, तीन विषयों को हम लोगों ने चुना, शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा का विकास हो, विद्यालय में हो, महाविद्यालय में, हर स्तर पर हो, और हमारे छात्र शॉर्टकट के पीछे नहीं जाएं। पेपर लीक कराने से, किसी और के बच्चे परीक्षा देने से एक टेम्पररी सक्सेस हो सकता है, एक उसी प्रकार धराशायी होगा जिस प्रकार वैशाली की एक लड़की हुई थी, मैट्रिक की टॉपर बनी थी, लेकिन मीडिया वाले जब इंटरव्यू लेने गए तो पोल खुल गई। गलत काम से जो भी आप अर्जित करेंगे ऊपर जाएंगे, लेकिन जब सीढ़ियों से नहीं चढ़ेंगे तो नीचे गिरना तय। समता मूलक समाज का निर्माण, जैसे रथ आगे नहीं बढ़ सकता तो मिलना होगा, सोचना होगा। हर व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? यदि अपने मन में हम जाति और धर्म को लेकर लड़ेंगे, लिंग भेद करेंगे, दूसरे को हम क्या बता पाएंगे? बिहार यदि बनाना है, इस भेद को मिटाना होगा, तभी बिहार का भविष्य उज्ज्वल होगा। उद्यमिता, उद्योग लगाना, हम लोग प्रयास करें अच्छे लोगों को जोड़ने का, समाज को नुकसान,
दुर्जनों के दुष्कृतियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। हम तो अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, अच्छे शिक्षक जुड़ेंगे, अच्छे बैंकर जुड़ेंगे, अच्छे वकील जुड़ेंगे, अच्छे चिकित्सक जुड़ेंगे, हर प्रकार के लोग तो समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। निष्क्रिय रहे तो समाज कहाँ बदलेगा? फिर तो समाज को वही लोग चलाएंगे जो समाज में अलग परंपरा स्थापित करना चाहते हैं। अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। इसीलिए नेक्स्ट इंस्पायर बिहार हर जिले में हम लोग अलग अलग अध्यायों की स्थापना कर रहे हैं। आज कैमूर आया हूँ, जितेंद्र यादव जी हमारे मेन कोऑर्डिनेटर हैं, साथ में दीपक तिवारी जी, पूरी टीम है जो काम कर रही है। बहुत बड़ा लक्ष्य मैं देकर जा रहा हूँ। हर प्रखंड में हमारी टीम बनी है। लोगों को जोड़ना होगा, कार्यक्रम करने होंगे जो कार्यक्रम लोगों के सहयोग से होंगे। दुबई में जब संवाद हुआ, दुबई से तरुण जी आए, बेगूसराय में उनके द्वारा 2 मेडिकल कैंप लगाए गए, अपने गाँव में कंप्यूटर अपने विद्यालय में दान दिया गया, अनेक ऐसे काम चल रहे हैं। गुजरात में रहते हैं मोहन झा जी, वहां से आए, उन्होंने पटना में 2 समिट करा दिए जिसमें नए स्टार्टअप जो नए युवक हैं उनको मार्गदर्शन करने के इन्वेस्टर बुलाए, अपने देश से बुलाए, विदेशों से भी लोग आए, 2 जगह इन्वेस्टमेंट हुआ भी। क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बिहार को बदलना है। सपनों का बिहार वैसा हो जिसमें शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना हो, रोजगार यहीं हो, और तब होगा जब आपस में संघर्ष छोड़ देंगे, जाति धर्म के भेद को मिटाकर साथ में अपने पूर्वजों की दृष्टि को धारण करके, जो बड़ी दृष्टि थी, उस सोच के साथ चिंता नहीं चिंतन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, संघर्ष नहीं सहयोग करेंगे, और जो ऐसा करेंगे निश्चित उस गरिमा को स्थापित कर देंगे जिसके आगे कभी अलग छेद को भी वापस लौट के जाना पड़ गया। निश्चित उस गरिमा को स्थापित कर देंगे जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय हमारे यहाँ स्थापित थे। फिर से लोगों को पढ़ने आना होगा, रोजगार के लिए भी लोग बिहार आएंगे। अपने जीवन काल में हम कर सकते हैं यदि सोच बदलते हैं। मैंने तो देखा है, सोच बदलती है तो पंखा मुक्त हो जाता है, रोहतास किले पर आप आराम से विचरण कर सकते हैं। और जब सोच पूरे बिहार में बदलेगी, इसीलिए युवाओं से विशेष रूप से मैं संवाद करना चाहता हूँ। आज नहीं बदले, इतिहास बार बार अवसर नहीं देगा और पतन की ओर जाओगे। स्वयं उत्तरदायित्व ग्रहण करो। जो बातें हम लोगों ने इतने समय में की, सफल तभी होगा जब घर जाएंगे, अपने अभिभावकों से, अपने मित्रों से बात करेंगे, बताएंगे बिहार के लिए क्या करना चाहिए। और जो सफल हो गए, पहला परिश्रम को सफल हो जाओ, जो सफल हो गए तो केवल अपने लिए जीवन यापन तो कोई भी करता है, कुछ आंशिक योगदान समाज के लिए जरूर देना। यही कारण है कि आज नौकरी करते हुए सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलती है, अनुमति लेकर निकलता हूँ, युवाओं से बात करूँ, क्योंकि बिहार जितना आपका उतना मेरा भी है। मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देखना चाहता हूँ, अपने जीवन काल में देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है यदि बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, संवाद संवाद से ही वो चीज़ें हुई, संवाद से ही पगह में परिवर्तन आए, संवाद से ही रोहतास परिवर्तन आए। संवाद क्यों करते हैं? मन के बात को दूसरे के मन की बात तक पहुँचाने के लिए। जब संवाद होता है और मन की बात यदि शुद्ध हो, स्वप्न क्या है उस बिहार का, आधार क्या है हमारा इतिहास, जो बताता है कि हम कर सकते हैं, तब कर सकते थे जब संसाधन नहीं, तो आज क्या कमी। और जब स्वप्न भी हो, आधार भी हो, मन जब शुद्ध हो, तो मन मन को जोड़ती है, और जब मन से मन जुड़ता है, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ता है, समाज जुड़ता चला जाता है, तभी तो उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हो पाता है। आज भी यदि बिहार हर व्यक्ति को जोड़ पाएंगे उस इतिहास के संदेश से जिसने बिहार को कोई महान बनाया, तो क्या फिर महान नहीं बन पाएंगे? क्या फिर महान नहीं बन पाएंगे? निश्चित बनेंगे, लेकिन केवल बातें करने से चीजें नहीं बदलेंगी। योगदान करना होगा, जो सक्षम है समाज में उनको योगदान के समक्ष आना होगा, उनके लिए जिनको उसकी आवश्यकता है, सभी चीजें बदलेंगे। और लेट्स इंस्पायर बिहार जो हम लोगों ने आह्वान किया, लोग जुड़े हैं। आज 40 बच्चों को पटना में, 40 बच्चों को भागलपुर में हम निःशुल्क IIT और मेडिकल की तैयारी करवा पा रहे हैं, खाने के साथ रहने के साथ फ्री कैसे करवा पा रहे हैं? तो लोग योगदान कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, अनेक ऐसे कार्यक्रम हम चला पा रहे हैं, लोगों को लाभ मिले। मेडिकल कैंप 75 से अधिक मेडिकल कैंप निःशुल्क चिकित्सकों के द्वारा पटना में लगाया गया, अनेक जिलों में आज मेडिकल कैंप लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? वहाँ के चिकित्सक जुड़ रहे हैं। अच्छे लोगों को जब जोड़ेंगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है। ऐसे योगदान से ही, आंशिक दान से ही निश्चित बिहार बदलेगा। जोड़ना तो शुरू करें, पहले ही प्रश्न करने लग जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा। शुरू तो कीजिए, यज्ञ की प्रारंभ कीजिए, आप देखिएगा धीरे धीरे दावानल बनने में, इस जंगल की आग की बात हो रही, समय नहीं लगेगा।
आज से 12 वर्ष पहले कोई कहता कि रोहतास से रोहतास मिट जाएगा, कोई शायद मानता नहीं, लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है, बदल गई चीजें, अपने समय में बदल गई। वैसे आज यदि मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि बिहार में रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, शायद कोई माने नहीं। मैं कहूंगा बिहार से जातिवाद का अंत हो जाएगा, कहेंगे बिहार कैसे हो सकता है, लोग जाति से उठ ही नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं यदि हम मिलकर चलने लगे, सही बात को लेकर कहने लगे, निश्चित चीजें बदलेंगे, अपने जीवन काल में उस बिहार को पाएंगे जिसमें शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार भी नहीं मिलेगा। अपने जीवन काल में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, करना चाहते तो आइए मिलते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं, शिक्षा समता उद्यमिता इन मंत्रों के साथ चलते हैं, अपने पूर्वजों की दृष्टि के साथ चलते हैं और मिलकर बदलते हैं। बोलिए जय बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लगातार 1.5 घंटा 1.5 घंटा करीब सर का वक्तव्य हुआ और सुनते सुनते मैं 10 साल पीछे चला गया जब हम परास्नातक में हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय